मोदी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, राशन दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं, बताओ क्या। आपकी सीट से बालियान साहब चुनाव लड़ रहे हैं, पता है जी क्या लग रहा है? हाँ, जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। सामने हरेंद्र मलिक है, नहीं कोई नहीं, किसी का नंबर नहीं आने। हाथी से दारा सिंह प्रजापति, कोई भी आ जाओ, कमल का फूल। अगर मोदी सरकार नहीं होगी तो कुछ भी बढ़िया नहीं होगा, देश का नाश ही होगा। अच्छा, मोदी जी को ला रहे हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी से कोई नहीं, उम्मीद मतलब ही नहीं है, वो तो पागल है बिल्कुल, उसे बोलने की भी अकल नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार है, नहीं है वो, अच्छे नहीं है। मोदी है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। और क्या चाहिए, हमारे राम जी अयोध्या में आ गए, और क्या चाहिए। अच्छा, राम मंदिर बन गया। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में, मैं हूँ नितिन चौधरी। 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होना है, और इस समय हम मौजूद हैं जानसठ कस्बे के अंदर। मुजफ्फरनगर लोकसभा का ये इलाका है, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, और उनके सामने हरेंद्र मलिक हैं सपा से, वहीं बसपा से दारा सिंह प्रजापति मैदान में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि एक्सरसाइज कर रही हैं। आप देख सकते हैं पीछे, ये पूरा यहाँ पर एक पार्क टाइप में बनाया है नगर पंचायत जानसठ ने, और पीछे बहुत बड़ा तिरंगा भी है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या ये सरकार के कामों से खुश हैं, क्या इनको लगता है कि मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे, और इस सीट पर क्या समीकरण है, और महिलाएं क्या सोच रही हैं महंगाई को लेकर के और रोजगार को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के। तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं महिलाओं के मन की बात। जी, क्या नाम है आपका? सुशीला। चुनाव आ गया जी, क्या लग रहा है? मोदी, मोदी जी। हाँ। अच्छा बताइए, क्या खूबी है मोदी में? सब कुछ है, रोजगार चाहिए बस। रोजगार चाहिए, रोजगार की कमी है। हाँ। अच्छा, आपकी सीट पर बालियान साहब लड़ रहे हैं, पता है आपको? मोदी ही है, मतलब आपको मोदी से मतलब है? हाँ। बालियान से मतलब नहीं? हाँ, है। हाँ, नहीं। तो कमल का फूल खिला रही है? हाँ जी। अच्छा, जैसे सरकार है भाजपा की, क्या काम किया महिलाओं के लिए सरकार ने, जिससे खुश हैं आप? सब अच्छे काम किए, जो भी किया अच्छा ही किया मोदी। महिलाओं के लिए क्या किया, जैसे पहले की सरकारें थी, क्या बदला आपके जीवन में भाजपा की सरकार में? सब कुछ ही, भाजपा की सरकार ने तो बहुत कुछ बदला। माइक उनके पास ही, देखो देखो मेरी बात सुनो, देखो लड़की अब कैसे ही फिरती रहे, मैं कोई डर नहीं है लड़कियों का भी, किसी भी चीज का कोई डर नहीं है यहाँ पे, सुरक्षा है महिलाओं की। हाँ, महिलाओं की बहुत सुरक्षा है। पहले मतलब था पहले की सरकार, तो पहले बहुत कुछ गलत था, अब अच्छा है सब कुछ। अच्छा, और इसके अलावा जैसे रसोई है आपकी, रसोई में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है जी, मोदी की सरकार है, बढ़िया चल रहा है। जेब से पैसे निकाल रही है दबा के? नहीं, जेब से क्या पैसे निकाल रहे, मोदी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, राशन दे रहे, सब कुछ दे रहे, बताओ क्या नहीं दे रहे। फ्री राशन मिल रहा है, पानी की भी सुविधा हो रही है, बिजली की सुविधा है, बिजली की पहले बहुत कम आती थी गाँव में, अब बिजली अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया बिजली गाँव में भी अच्छी आ रही है, लाइट कस्बे में छोड़ो गाँव में भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, लाइट बदल गई जी, ये कह रही है सुरक्षा है? सुरक्षा बहुत, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, पहले अखिलेश की सरकार थी, लड़कियाँ मतलब कुछ भी नहीं थी, नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, सच में नहीं थी, लेकिन तब से बीजेपी आई है काफ़ी अच्छा, कोई किसी को है ही नहीं कोई प्रॉब्लम, कि कोई आसपास किसी को कुछ कह सके, लेडीज को खुलेआम घूम सकती है, बहुत सुरक्षा की है। अच्छा जी, आपकी सीट से बालियान साहब चुनाव लड़ रहे हैं, पता है जी क्या लग रहा है? हाँ, जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। सामने हरेंद्र मलिक है, नहीं कोई नहीं, किसी का नंबर नहीं आने। हाथी से दारा सिंह प्रजापति, कोई भी आ जाओ, कमल का फूल, कमल का फूल ही जीतेगा, कमल को जिता रही है जी। अच्छा, रसोई में लोग आरोप लगा रहे हैं कि रसोई क्या आरोप, मोदी ने महंगाई, कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई थी, किसके टाइम पे महंगाई नहीं है, सबके टाइम पे महंगाई हुई थी, ऐसी हम सर जो जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसे हमारी तनख्वाह बढ़ गई, ऐसे हमारे खर्चे हो गए। अच्छा, रसोई में कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है, मजे से कट रही है रसोई, सही है, आराम से बढ़िया से मैनेज कर पा रही है, बिल्कुल। गैस सिलेंडर का हवाला देती है विपक्ष की पार्टी, सब बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं है। 100 रुपए घटा दिए और मोदी ने, और क्या चाहिए, 100 रुपए घटा दिए सिलेंडर पे, बताओ सब कुछ बढ़िया हो रहा है। चुनाव से पहले करा दिए तो? हाँ, चुनाव से पहले, सब चुनाव से पहले किया, चुनाव से पहले कितने सिलेंडर बटे हैं फ्री में, फ्री में सिलेंडर बटे हैं, भर भर के सिलेंडर बटे हैं, तब कहाँ थी, अभी तो बढ़ दिए, बताओ क्या किस चीज की कमी है, कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। अगर मोदी सरकार नहीं होगी तो कुछ भी बढ़िया नहीं होगा, देश का नाश ही होगा।
अच्छा मोदी जी को ला रहे हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी से कोई नहीं उम्मीद मतलब ही नहीं है, वो तो पागल है बिल्कुल, उसे बोलने की भी अकल नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार है? नहीं है, वो अच्छे नहीं है। मोदी है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं। मोदी है तो मुमकिन है जी, इस बार ला रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या बदलाव के जीवन में मोदी की सरकार में बताइए? सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और क्या चाहिए हमें? रोजगार है? हाँ जी, सब अच्छा है, और क्या चाहिए? हमारे राम जी अयोध्या में आ गए, और क्या चाहिए? अच्छा, राम मंदिर बन गया। हाँ जी, किसी से भी नहीं हुआ। पहले कहाँ थे राम जी? भटक रहे थे इधर उधर, भटक रहे थे वो इधर उधर, हाँ, स्थान नहीं मिल रहा था उनको। और मोदी है तो सब कुछ है। वो भी एक मुद्दा है, राम मंदिर का भी। हाँ जी, उससे भी वो भी, हाँ जी, बहुत वो भी मोदी ने ही सॉल्व किया है, मोदी जो भी काम करेगा। अच्छा, ये यूं कह रही है कि सुरक्षा हो गई महिलाओं की? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सच में बदलाव है पहले से? हाँ जी, बहुत। अब रात को आप कहीं भी निकल जाओ, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, योगी जी अच्छे हैं ज्यादा या मोदी जी? दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों में नंबर वन मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को बोलिए, योगी योगी जी हैं, योगी जी उनसे अलग थोड़े नेचर के हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं। बुलडोजर बाबा? हाँ जी, सीधा मकान तोड़ देते हैं। तोड़ देना चाहिए, गलत कोई करेगा तो उनका तो तुरंत ही हो जाना चाहिए। और मैं तो ये बोलूं, आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण भी होनी चाहिए। अच्छा, ये मोमडन लोग जो बस जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हाँ, इसमें भी नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या कानून आना चाहिए। हाँ जी, उसमें तो सभी हैं, सब पे, सब पे लागू होना चाहिए, सब पे होना चाहिए, क्योंकि इंसान तो देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, उसमें भी आपको लग रहा है कि ये कानून भी आना चाहिए? ये भी आना चाहिए, सीए का कानून तो ले आई सरकार। हाँ जी, ये नागरिकता देंगे जो भारत से ये भी सही है, समाज के लोग आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब अच्छा हो रहा है। तो इस बार बालियान को जिता रही है? हाँ जी, बिल्कुल पक्का। और केंद्र में मोदी? हाँ जी। किससे टक्कर मान रही है आप? टक्कर किससे लग रही है सीट पे? मोदी जी हैं और संजीव बालियान है। और सामने कौन है? ये तो नहीं, हरिंदर मलिक है। अच्छा, नहीं वो इतने होते, मलिक साहब से कोई टक्कर नहीं है? नहीं, उनसे हम कोई इच्छुक नहीं। एक तरफा चुनाव जीत रहे जी, जानते ही नहीं हम तो उनको, उनको तो हम जानते ही नहीं। मतलब मोदी है, बस मोदी है, जनता मोदी की दीवानी है बस, और किसी की नहीं। मोदी जी के साथ ही जा रहे हैं? हाँ जी। तो लग रहा है कि जीत जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल पक्का, उन्हीं को जिता रहे हैं। हाँ जी पक्का जी, मोदी जी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे जी, पक्की। ये तो यूं कह रहे राहुल गांधी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उम्मीद नहीं है, क्या कमी है राहुल में? युवा है वो भी 50 साल के, उनको कोई बात नहीं, युवा तो अखिलेश जी भी थे, उनको भी हम लोगों ने सपोर्ट किया था जब फर्स्ट टाइम उनको वोट दी थी कि हाँ कुछ करेंगे, पर हाँ गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं हुआ था। चोर आगे, इधर से आगे, उधर से आगे, पूरी पूरी रात गांव में ऐसे बैठते जाते थे। 100 नंबर दिया उन्होंने, हाँ, और गुंडे भी तो उन्होंने दिए थे। तो सब जनता आज ठीक नहीं थी, नहीं मिलती, सब खत्म हो जाता, लेकिन मोदी है तो सब कुछ हुआ अच्छे से। कोरोना का इलाज भी हुआ, वैक्सीन भी हो गई, सब हुआ, लेकिन अखिलेश के आगे कुछ नहीं होता, जनता मर जाती। विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी ने ताली थाली बजवाई, नहीं वो सब कुछ अच्छा किया, हाँ किसी कारण होगी ना, कुछ कारण होगा ना, पता करो ना, हथेली बजाने का क्या मतलब होता है, थाली बजाने का मतलब क्या होता है, तो इस पे भी जाओ ना, साइंटिफिक है, बिल्कुल है, साइंस है इसके, बिल्कुल है। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन होगा ना, क्लैपिंग करने का भी रीजन होता है। ये बताइए किसने लगवाया? ये यहाँ के चेयरमैन ने, परविंदर भड़ाना। वो किस पार्टी से थे? वे भी बीजेपी की तरफ से थे। उनके काम से भी खुश है? हाँ जी, बहुत। उनको तो हरवा दिया यहाँ की जनता ने, बदतमीज है ना जनता यहाँ की, ये हिंदू लोग ही पागल है। तो गलत किया? हाँ जी, बहुत गलत किया। में? हाँ जी। वरना अच्छे थे वो? वो बहुत अच्छे थे, काम अच्छे किए, मतलब ये जो सारी सुविधाएं मिली जानसठ हाँ में, इससे ये सब उन्होंने ही किया। तो डेली आ जाती है सहरसा बेटा बच्चों को लेके, सुबह शाम बच्चों को भी मिल रहा है, लेडीज को भी मिल रहा है घूमने की एक जगह नहीं जानसठ में कोई भी। बताओ, वो परविंदर ने तोड़वाई, यानी किसी में हिम्मत नहीं थी उसे तोड़वाने तक की भी। अच्छा, परविंदर भड़ाना ने काम अच्छे किए, लेकिन फिर भी जनता ने हरा दिया। हरा दिया, बस जनता की बुद्धि की बात है, अच्छे लोगों को तो हरा ही रहती है जनता, जनता का क्या है। तो बालियान साहब जीत रहे हैं? हाँ जी, हमारी तरफ से तो जीत रहे हैं 400 पर, भाई ये नहीं पता कितने बार पर जीत रहे हैं। आप उधर ही जा रहे हैं? हाँ जी, आपको लग रहा है जी? हाँ जी, हम भी उधर ही जा रहे हैं, उनको जिता रहे हैं जी। चुनाव आ गया अम्मा, हाँ, किसको जिता रहे हैं इस बार भैया? मोदी जीतेगा और किसे जिता रहे हैं, मोदी को ही जितावेंगे, मोदी बढ़िया काम कर रहा है। क्या बढ़िया कर रहा है मोदी, ये तो बताओ। घर घर सिलेंडर बांट दिए जिनके बस की नाव बेचारों के, हैं, और क्या बढ़िया, यू बढ़िया थोड़ा,
पहले सरकार कहती थी कि सिलेंडर सस्ता था, पहले की सरकार में महंगा हो गया। बस जब महंगाई तो बढ़ेगी भैया, जब दुनिया जलावेगी और क्या नाम जी, दुनिया को सुविधा चाहिए सब चीज़ की भी है। अच्छा, जैसे आप महिला हैं, जैसे आपकी रसोई है वो सही से मैनेज हो रही है? हाँ भाई, हम तो किसान ही आदमी। हाँ, जैसे हाँ। आप किसान हैं, रसोई है, रसोई में कोई दिक्कत चलाने में नहीं? जैसे महंगाई का दावा कर रही है नहीं, नहीं भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई है नहीं, कोई परेशानी होती है रसोई में? नहीं कोई परेशानी नहीं भाई, गन्ना भी महंगा होगा, हम तो किसान ही आदमी, हमें तो कोई चीज़ मतलब फ्री की मिलती नहीं। परिवार जब हमारा, जब गन्ना भी महंगा होगा, सब चीज़ काम बढ़िया चल रहा है, तो क्या परेशानी, कुछ भी नहीं। आपकी इस सीट से कौन चुनाव लड़ रहे हैं पता है आपको? प्रत्याशी कौन है आपके भाजपा से? भाजपा से पता नहीं भाई, कौन है? संजीव बालियान लड़ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। लेकिन आप मोदी के नाम पे वोट करेंगे? प्रत्याशी कोई भी हो या मैं तो फूल पे लगानी बस। मोदी मोदी? हाँ। क्या नाम है आपका? जी मोहित उपाध्याय। मोहित जी, चुनाव आ गया जी, क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल है? पार्टी बीजेपी का माहौल है फिलहाल। अच्छा जी, क्या काम किए भाजपा ने जो आपको लग रहा है? आप जहाँ यहाँ खड़े हो ये देख लीजिए, मेरे पास इसके पुराने फोटो हैं। यहाँ इतनी गंदगी थी कि यहाँ से रुमाल रख के निकलना पड़ता था नाक। आज आज आपके सामने देख सकते हैं, बच्चों के लिए पार्क भी है, महिलाएं आती हैं सामने। हाँ, बच्चे भी खेल रहे हैं। अभी ये जो है तालाब है वैसे तो, लेकिन अभी बरसात में पानी जमा हुआ था, अभी सूख गया है। तो इसकी जो सच्चाई, मेरे पास पुराने फोटो भी पड़े हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो आपके सामने बदलाव है जितना। ये हमारी माता बहनें जो आती हैं एक्सरसाइज के लिए यहाँ सुबह शाम, सुबह में हाँ जी हाँ, मॉर्निंग में भी करीब 50-100 लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा सब। ये यहाँ से आप लगा लें कि कितना विकास हुआ है, या एक्सरसाइज के लिए भी है यहाँ। और आप यहाँ मच्छर पूरे तमाम इस कॉलोनी के अंदर जो होते हैं एकदम, मच्छर से लोग परेशान थे, तो आज यहाँ किसी को भी मच्छरदानी लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जैसे आप युवा हैं, रोजगार के मोर्चे पर कैसा काम कर रही है सरकार? रोजगार पहले, सुरक्षा फिर रोजगार बाद में। तो सुरक्षा प्रोवाइड की है सरकार ने, लोगों ने निकल करके अपने व्यापार में पैसे लगाए हैं, तो सरकार ने विश्वास जीता है, बढ़िया चल रहा है रोजगार के मामले, सब कुछ ठीक है, बढ़िया बहुत। अच्छा, जैसे इस सीट से बालियान साहब है तीसरी बार? हाँ जी हाँ। सामने मलिक साहब है, हरेंद्र मलिक, सपा और कांग्रेस गठबंधन से, और हाथी से आए हैं दारा सिंह प्रजापति जी। तो किसकी बढ़त लग रही है? बालियान साहब के जो मेन बात है कि पहले मंत्रियों के दर्शन तक नहीं होते थे, लोगों को पता नहीं था कि मंत्री कौन है। अभी छोटी सी घटना लेकर, चाहे वो दुखी हो चाहे कोई खुशी का माहौल हो, तो मंत्री जी वहाँ पर अवेलेबल होते मतलब हैं, सुलभ है वो। हाँ जी हाँ, मिल जाते हैं। जो ये समझिए आप, जो बीजेपी पार्टी है वो एक प्रोजेक्ट के तहत काम करती है, डे टू डे ऑपरेशन, रिपोर्ट मोदी जी लेते हैं। ये कहा जाता है कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है भाजपा। हाँ नहीं, वो ठीक है चुनावी मोड में भी रहे, क्योंकि चुनाव में अगर जीतेगी जब तो डेवलप करेगी कुछ, अगर चुनाव के मोड में नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सत्ता में रहने के लिए चुनावी मोड में रहना जरूरी है। बालियान साहब को आप बिल्कुल हाँ सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल 100%। किसे लग रहा है कि मुकाबला टक्कर किससे होगी? टक्कर की जरूरत ही नहीं है, जीते हुए हैं, इतनी लोकप्रियता है उनकी कि आम जन को इतनी सुविधाएं जो दी गई हैं, तो उससे त्यागी नाराज लग रहे हैं, निर्दलीय मैदान में उतार दिया उन्होंने त्यागियों ने। हाँ नहीं, वो जो समय के साथ है कि कुछ ठाकुर भी नाराज है जी, समय के साथ सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। देखो नाराजगी है, उन्हें मनाया जाएगा पार्टी के द्वारा, लेकिन जीतेंगे बालियान साहब। और केंद्र में? केंद्र में तो मोदी जी हैं अपना। एक नारा दिया है इस बार 400 पार, क्या ये संभव है? नहीं, 400 पार का संभव है या नहीं है, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। और 80 में से 80 का भी नारा दे रहे हैं यूपी में, क्या ऐसा? मैं कह रहा हूँ आपसे कि सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, चाहे वो 80 के जाएंगे। मोतीलाल के हसीन ख्वाब है क्या? नहीं, मैं कह रहा चाहे वो 80, चाहे वो 75 यूपी में, मैं कह रहा चाहे 75 हो जाए, मैं कह रहा कि सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, सरकार बन रही है भाजपा जी। बिल्कुल हाँ जी, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन रस्तोगी। रस्तोगी जी, चुनाव आ गया? हाँ जी। क्या लग रहा है? मोदी मोदी है। क्या किया मोदी ने ऐसा? मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया, मोदी ने तो हर किसी के लिए कर दिया, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी। रात को चाहे मुजफ्फरनगर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, नहीं वो तो सरकार तो योगी जी की है, ये पुलिस तो योगी के अंडर में आती है भाई। योगी और मोदी एक ही बात दिखाई दे, मतलब दोनों भाई हैं छोटे बड़े, सुना जी। और किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, किसान भी खुश, किसान भी खुश है, चाहे कोई खुश नहीं, कोई जातिवाद पर चाहे इधर उधर को चले जा, लेकिन किसानों के लिए भी बहुत कुछ कर दिया।
रात को ट्यूबवेल पे जाते हैं भी डर लगे था किसानों को, सुरक्षा है ये मान रहे हैं। बिल्कुल सही, सुरक्षा का, ये महिलाएं भी कह रही थी सुरक्षित है जी हाँ, किसानों को भी सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल सब। आपकी सीट पर किसे जिता रहे हैं आप जी? आप अपनी सीट पर मुजफ्फरनगर में किसे जिता रहे हैं जी? हम तो मोदी के साथ हैं, जिसे कैंडिडेट खड़ा करते हैं वोट मतलब देंगे। कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है कैंडिडेट से मतलब नहीं है। कौन है आपके पता है? संजीव बालियान है। टक्कर किसे लग रही है? बहुत बढ़िया आदमी संजीव बालियान जी, अच्छे आदमी है जी हाँ। किसी के दुख सुख में आ जाए, किसी भी जाति का वो हो दुख सुख में उसको सम्मिलित रहते हैं जी हाँ, गायब नहीं रहते नहीं, मिलते हैं सबसे हाँ जी। तो हरिंदर मलिक से टक्कर मान रहे हैं या दारा सिंह प्रजापति पटकर नहीं दे सकते हैं हाथी वाले भैया? आगे पता कुछ नहीं, अन्य हमें तो ये दिख रहा बालियान जीतने चाहिए। बालियान जी इस सीट पर हाँ जी। और केंद्र में? केंद्र में तो हैट्रिक लगेगी है जी, हैट्रिक लग रही है मोदी जी की जी हाँ। मोदी तो आँख मीच का आ ही रहे, मोदी जी आ रहे हैं हाँ जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं, रह जाएंगे लटकन में सारे नीचे ही, कोई मुकाबला ही नहीं है ना जी, दिखाई नहीं दे रहा कोई ऐसा काबिल आदमी है भी नहीं, कोई विदेशों में भी नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है ना जी, राहुल पे तो बोलना भी नहीं आता कैसे बोल लग रहा जी, राहुल को तो यही नहीं कहना का कहना क्या, अपने कहने पे फंस जा, दावेदार है वो प्रधानमंत्री के आज मन तो करे प्रधानमंत्री बन जा, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं उम्मीद है। और अखिलेश से है कुछ उम्मीद? अखिलेश भी युवा है नहीं, अखिलेश भी प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री का नंबर कहाँ रहा अखिलेश, मतलब मोदी जी बन रहे हैं, मोदी के बाद में योगी जी बन सके हैं अच्छा उनके बाद में हाँ जी जी, उसके ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद में योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसा है कुछ? वेरी गुड, आगे की भी योजनाएं बना रखी हाँ है जी, उन्हीं का ही नंबर आना है योगी जी हाँ जी पक्का 100% इस बार मोदी जी अगली हाँ जी, बार योगी जी, अच्छा यही चलते रहेंगे भाजपा की सरकारी हाँ जी पक्का, सुरक्षा चाहिए तो बनाना पड़ेगा, अच्छा मेन सुरक्षा है हाँ जी, मेन सुरक्षा है, रोजगार नहीं है मेन, वो भी है देखो अपने टाइम में जान है तो जान है, जब तो है रोजगार, मोदी जी ने कहा था जान है तो जान है, तो जान है मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा था मोदी जी ने हाँ जी, रात में आके जान है तो जान है, घर से बाहर मत निकलिए हाँ जी। सबसे बड़ी बात है चोरी नहीं चकारी नहीं, अब आदमी कैसे अपना सामान कहीं भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छे से है। तो ये थे जानसठ के नागरिक, ज़्यादातर महिलाओं का कहना है कि सुरक्षा के मामले पर ये बहुत खुश हैं और विकास की गंगा बहा दी है मोदी जी ने, प्रत्याशी इनके लिए मैटर नहीं करता, मोदी जी से इन्हें उम्मीद है और इनको लगता है कि इस बार भी कमल खिलेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज वीडियो के लिए जानसठ से इतना ही, नमस्कार।